कोई भी व्यक्ति है, जाती है, आती है, इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, खाती है, पीती है, जाती है, इस टाइप के वर्ण जो होते हैं वो हमारे सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्रिया के अंतर्गत। तो हमारा क्या है, ये जो जाती है इस क्रिया से हमें किसका बोध होता है, स्त्री लिंग का बोध होता है। तो इसी प्रकार से भाषा का लिंग के माध्यम से क्या है, काफी संयोग और मतलब संबंध होता है, जिसी के माध्यम से क्या होता है, मतलब भाषा ही है वो, जिन जो भाषा और जेंडर के संयोग से ही भाषा जो है वो चलती है और क्रिया का हमें ज्ञान हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सामाजिक स्थिति का ज्ञान। तो जो सामाजिक स्थिति का ज्ञान है वो भी किसके माध्यम से हो पाता है, भाषा, भाषा के माध्यम से हम जो सामाजिक ज्ञान कर पाते हैं, समाज में जो लिंग की जो स्थिति है, जेंडर की, स्त्री लिंग और पुल्लिंग यानी कि, ठीक है, उन दोनों की जो समाज में स्थिति है उसका ज्ञान भी हमें किससे हो पाता है, भाषा के माध्यम से। अब भाषा के माध्यम से किस प्रकार, जैसे समाज में क्या है, स्त्री और पुरुष है। अब जब बात उदारता की, करुणा की, दया की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमेशा किसकी छवि आती है, स्त्री की छवि आती है। ठीक है, हम हमेशा जानते हैं कि ये स्वभाव किसका है, महिला का। तो जहां पर करुणा और उदारता की बात आएगी तो व्यक्ति किसके बारे में, महिला के बारे में सोचता है। वैसे ही जस्ट अगर बात पुरुष की आए, जब बात वीरता की, ओजस्वी, निर्भय और डेयरिंग की जब बात आती है तो हम किस, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में किसकी छवि बनती है कि वो सब किसके बारे में हमारे दर्शाए गए होते हैं, एक पुरुष के लिए कहे गए होते हैं। इसी प्रकार से समाज में जो स्त्री और पुरुष की जो स्थिति होती है वो इसी के अंतर्गत आती है।